हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेर अली और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट इफेक्ट चैनल। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दें। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन MS धोनी ने दी चेन्नई सुपर किंग को एक बहुत बड़ी धमकी। दोस्तों, IPL में टीम की खराब कारकर्दगी पर MS धोनी ने कप्तानी छोड़ने की धमकी दे दी। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के फ्रेंचाइज चेन्नई सुपर किंग की कप्तान MS धोनी ने अपने बॉलर्स को खबरदार किया है कि या तो अपनी कारकर्दगी बेहतर करें या फिर नया कप्तान ढूंढ लें। दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के जानिब से लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेले गए मैच की सूरत हाल पर गुफ्तगु करते हुए कहा कि हमारे बॉलर्स को 9 बॉल्स और कम वाइट बॉल करनी होंगी। हम बहुत ज़्यादा इजाफी गेंदे कर रहे हैं जो ख़त्म करने की ज़रूरत है, वरना उनकी टीम एक नए कप्तान की क़यादत में खेल रही होगी। दोस्तों, धोनी का कहना था कि उनके टीम के फास्ट बॉलर्स को भी मामूली बेहतरी और हालात के मुताबिक गेंदबाजी की ज़रूरत है। बॉलर्स को चाहिए कि बल्लेबाजों को फील्डर्स की तरफ हिट मारने पर मजबूर करें। दोस्तों, वाज़ह रहे कि गुज़श्ता रोज़ IPL के छठे मैच में MS धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग ने लखनऊ सुपर जायंट्स को बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। तमाम इस मैच में चेन्नई सुपर किंग के बॉलर्स ने 13 व्हाइट बॉल्स और 3 नो बॉल की थी, जिस पर कप्तान MS धोनी ने सख्त रद्देअमल का मुजाहरा भी किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दें। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।